ओपन यार टुडे। ये सारे फेक लेवाइस लोगों ने। ये कलर हाँ डेनिम में नहीं आएगा क्या? हाँ जी हाँ जी। मेरे को थोड़ा जैसे ये थोड़ा बेज है ना अंकल। बेटा वो लगता है वो कॉटराइज है ना, कॉट की वजह से लगता है, डेनिम में नहीं आएगा। एक इससे ये देखिए ये बेटर है। हाँ वो बेटर लग रहा है। वो बेटर लग रहा है। और अगर इससे मतलब स्लाइटली सड़ा इससे नहीं, ये मैक्सिमम बेज वाइट। इसके बाद तो फिर वो जैसे खाकी इसमें आ जाता है ना, वो वाला टोन आ जाता है। और कितने की पड़ेगी जी? कितना बनाना आपकी? ये पड़ेगी 1000 रुपए की। सब तो जीन्स 1000 में थे। वो पड़ेगी 1000 रुपए की, ये वाली। ये वाली क्यों, ऐसा क्यों? ये बेटा डॉबी है, वो रेगुलर डेनिम है। फर्क है, देखो ना उसका वीविंग, देखो इसकी वीविंग में और इसकी वीविंग में फर्क होगा। ये 1000 रुपए की है। कोई दिक्कत नहीं, आपको फोटो दे देना। अंदर I'm looking to get a mango jeans. अब देख लो यही चाहिए या कौन सा चाहिए? कलर तो यही चाहिए। ठीक। और रेफरेंस के लिए आपके ये है, ऐसी है आगे है ये वाली चीज है, ऐसी फिट है। पीछे वही पैच जैसे जीन्स की पॉकेट होती है, सब कुछ जीन्स की पॉकेट है, सब कुछ नॉर्मल है, बस सिर्फ वो जो आगे क्रीज वाली पट्टी नहीं, सिर्फ क्रीज में सिलाई है। हाँ, बाकी सब कुछ वही बेसिक है। ठीक ठीक, बाकी वही होता है। और ये एंकल से आधा इंच नीचे है बस। ठीक है ना, रबर वो तो आप लेंथ देख लेना। ठीक है बेटा, ये जैसे आपने ये पहना हुआ ना, ये थोड़ा लंबा है। आपको शॉप नंबर भी बता दो फिर हम वीडियो डालेंगे यूट्यूब। 66 नंबर है, 66 नंबर शॉप। अगर अंकल प्राइस तो फाइनल कर दो। 11 रुपए का। पहले 32 है। हां जी ठीक। ये वाला है, ये 31 है। ये भी नहीं, 31 है कि 1050 का। ये वॉशिंग का है ना करते हैं। अंकल वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये वाला? हां, ये कैसा सा कलर है ये? ये जीन्स का कलर लग रहा है, ये बहुत शाइनी सा आ रहा है, कैमरा में भी शाइनी आ रहा है। न्यू है ना बिल्कुल बेटा, वॉश नहीं है इसलिए डल फिनिश नहीं आएगी। लेकिन तो ये दो कलर ज्यादा अच्छा, लेकिन दो चार बार वॉश करोगे ना तो इसकी लुक बड़ी अच्छी आएगी बेटा। आयो सर इस वाले के स्टेज भी काफी अच्छा है, फिट नहीं है, बहुत ज्यादा लगेगा आपको। और आपकी हाइट पे, हाइट पे अच्छा भी लगेगा। कौन सा बनवाओ आप बताओ अंकल? देखो फिर ये ले लो, आप ये ले लो। चलो तुम वो कलर्स क्यों नहीं ले रहे पर जो तुम्हारे पास नहीं है? तो वो भी ले रहा, दो ले रहा ना मैं। ओ दो ले रहे, ओ माय गॉड। मेरे को पता क्या याद आ रहा है, यस यस दैट्स हाउ दे टेक पैंट्स। हां बेटा आपको लेंथ पूरी दो ना। बनवा लो सर, बनवा लो आप। आप अमीर आदमी यार, अमीर आदमी दिल से होता है। ये भी है देख, तुम्हें नहीं अच्छी है? अच्छी है ना, पर मेरा कलर सही है ना। ले बनवा लो ना, फिर किसी और से बनवाओ। ब्रो हां उनसे नहीं बनवाया। हां तो हमने सीरीज चूज करी है अपने अपने लिए, वो बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि तुमने ऊपर मेरी एनर्जी देखी थी। ऐसे ही मेरी जीन्स फाइनल हुई, स्पिरिट्स आर अप। ऑप्शन जनरल देख, पैंट्स बनवा रहा अपने लिए यहाँ से भी। मेरे को ये पिंक, ये जो है ना, दिस इज अ वेरी ज़ारा कलर, ये वाली। ये अगर मेरी पैंट्स अच्छी बनी तो हाँ एक ट्राई कर लो फिर बनवा लो। ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा ग्रेइश ब्राउन लग रहा है। शॉप नंबर 60।
मैं कह रहा हूँ कि मतलब देख के लग रहा है कि बिल्कुल डाइंग मार्केट है, जो मतलब आज से ले लो कि 5-6 साल पहले हम आए थे एक बार यहाँ, तो तब यहाँ सिर्फ डेनिम था और काफ़ी ज़्यादा शॉप्स थी, तो मतलब दिख ही रहा है कि मतलब नोबडी गेट्स देयर जीन्स स्टिच्ड। यार वही होता है ना कि एक बार आप कपड़ा लेके स्टिचिंग देने हो, फिर नेक्स्ट टाइम आप पिकअप करने आओ। अच्छा हमने काफी ये भी सुना था कि 45 मिनट्स में जीन्स स्टिच करके दे देते हैं, टू आवर्स कह रहे थे तुम बट वैसे तो कुछ है नहीं ना, सीन तो है कि मतलब दिल गिव इट टू यू टुमारो, हाँ मतलब वन डे तो एटलीस्ट दे दे, आपके दो चक्कर तो लगेंगे, तो उससे अच्छा लोग रेडीमेड ही ले लेते हैं। मैंने एक जीन्स लिया क्योंकि मतलब आई थिंक ट्राई करना बनता है, बट आई ऑल्सो थिंक वुमेन जीन्स आर चीपर, लाइक आई कैन मतलब मैंने अभी दो लेवाइस मंगाई हैं जो वही वाली जो मैं पहन रही हूँ, और मतलब 1200-1400 टाइप्स, तो ट्रैवल और सब भी तो है ना। बट ये चीज़ है कि अगर आपको कुछ कस्टम मेड बनवाना है या कुछ अगर आपने पिक्चर देखी है, फोटो देख के आपको कुछ बनवाना है, हाँ एंड वी हैव आल्सो गॉट देम 4 स्टिच, तो अगर इफ एवरीथिंग इज गुड देन द विजिट इज वर्थ इट। हाँ तो मतलब 4000 में चार चीजें, 4000 में चार चीजें आ गई एंड एवरीथिंग इज ग्रेट, एवरीथिंग फिट्स वेरी वेल, तो देन इट्स वर्थ। और पता है लोकल मार्केट्स की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इफ पीपल डोंट कम दे विल डाई, लुक्स लाइक अ डाइंग मार्केट। हाँ तो मतलब इवन इफ फिर ऐसा लगता है कि इवन इफ अ लिटिल बिट ऑफ ट्रैवल, अगर फैब्रिक मिलके यू आर गेटिंग समथिंग सो मे बी। चलो से बाय बाय टू मोहन सिंह पैलेस। हाँ बाय बाय, बट वील एंड दिस व्हेन वी हैव द फाइनल पीसेस व्हिच वील प्रोबेबली हैव टुमारो इवनिंग। जो हम मोहन सिंह पैलेस गए थे उस दिन, वहाँ से जो हमने जीन्सेस बनवाई थी वो आ गई है। मैंने तो सिर्फ एक ही बनवाई थी, अनिरुद्ध ने 3 बनवाए थे, 2 जीन्स वाले थे और 1 क्वाड्रेंट है, 1 उसने पहन ही लिया है, उसको उसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आई है। इनफैक्ट हमने ट्राई करके देख ली है, अनिरुद्ध को 3 अच्छी फिट आ रही है, मतलब एवरीबडी इज सेइंग कि वेरी नाइस जीन्स। मेरी वाली काफ़ी पचका हो गई है, काफ़ी गंदी बनी है। तुम्हारी आई थिंक फिट मतलब उतनी अच्छी नहीं, मैं जो तुम्हें चाहिए था वो नहीं। हाँ मैं इसमें पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी कि मैंने एक्चुअली मैंगो की, मैंने बताया ही था कि एक 3,500 की मैंगो की जीन्स है जिसपे डिस्काउंट आता ही नहीं है, मैंने उसको देख के बनवाई थी, वो मतलब पैरेलल वाली थी और इन्होंने बूट कट टाइप बना दी है, और मतलब चौक के निशान और मतलब कलर आई स्टिल लाइक द कलर। But Anirudh, what were you calling them? कौन सी जीन्स है ये? कौन सा डेनिम है? पेपर डेनिम। तो मतलब ऐसा है वो। तो मैं क्विकली दिखा देती हूँ सारे कैसे लग रहे हैं। मेरे को फिटिंग सारी जीन्स की एकदम परफेक्ट आई है जैसी चाहिए थी। तो एक जीन्स तो ये है क्योंकि एक लाइट शेड में चाहिए थी, एक ये सॉर्ट ऑफ कार्बन ब्लू कलर में है जिसकी भी फिटिंग काफी अच्छी है, और एक जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था वो थी ये कॉर्डरॉय ट्राउजर्स, तो इनकी फिटिंग भी काफी अच्छी आई है क्योंकि मैंने पहन ही लिए, तो मेरा तो एक्सपीरियंस वाज गुड। बट आई थिंक वहाँ पे मतलब जो मार्केट में लगा, आई थिंक ज्यादातर मेन्स टेलर्स ही थे जो कि स्टिचिंग कर रहे थे, तो आई थिंक लड़कों के लिए अच्छी शॉप्स हैं। मैंने भी ट्राई कर ली अपनी जीन्स और काफी गंदी, ऐसे ये बूट कट भी नॉट प्रॉपर, एक बार यू कैन स्टैंड, हां एंड आल्सो वेरी लूज फ्रॉम द वेस्ट, मतलब बिल्कुल ही आई हैव नथिंग गुड टू से रियली, बट अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसे पहन के इट्स नॉट लुकिंग दैट बैड। अभी कनिष्का आई थी, कनिष्का ने कहा अरे इट्स नॉट दैट बैड यार, तो आई हैव स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल बेटर अबाउट इट। मे बी अगर मैं एक बार दोबारा मतलब इफ आई हैड गॉन टू पिक इट अप तो थोड़े ऑल्टरेशंस हो जाते तो ठीक हो जाती, एंड दैट्स इट। मतलब एक जीन्स बनवा लेने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सो वाइफ तो अच्छी है ही जगह की, और अगर वहाँ जाओ तो कॉफ़ी भी पी सकते हैं। तो दैट वॉज इट फॉर दिस वन, अच्छा लोकल मार्केट है वो ट्राई, बट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्योंकि हमने बताया आपको इस मार्केट के बारे में, and every time you go to the market